हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एगलेस बटर स्कॉच केक। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, ये बनाने में भी आसान और खाने में बहुत ही यमी। आप किसी भी ओकेजन पे, एनिवर्सरी या बर्थडे पे इसे घर पर ही बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई को पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पर, और केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। पहले ही 6 इंच का मैंने टिन लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है रिफाइंड ऑयल से। बटर पेपर लगाकर पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और साइड्स भी। यहाँ एक बाउल ले रही हूँ और इसमें ले रहे मैं रिफाइंड ऑयल 1/4 कप। ऑयल आप बिना किसी फ्लेवर का लीजिए। 1/4 कप ला डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी और 1/4 कप ही कंडेंस मिल्क। इसको अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पर दूध, रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, 1/4 कप डाला है, और इसे अब अच्छे से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो चुकी है, अब छलनी लेंगे। छलनी में डालेंगे हम 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है, और विस्कर के हेल्प से हल्के हाथ से इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ ऐड करेंगे दूध। दूध टोटल मैंने 1/4 कप और यूज करूंगी, बाकी डिपेंड करता है हमारी कंसिस्टेंसी पर। थोड़ा सा और करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें रिबन की तरह कंसिस्टेंसी चाहिए, और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है बैटर को। मैं डाल रही हूँ वहां पर बटर स्कॉच एसेंस 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से अब कर लेंगे मिक्स। ये हमारी बढ़िया सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी हो गई, जब आप बनाए तब ऐसी ही होनी चाहिए। अब स्पेचुला की हेल्प से सारे बैटर को अच्छे से एक साथ कर लेंगे और एक ही कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर। अब केक टिन में हम इसे शिफ्ट कर लेंगे और 4 से 5 बार टैप करेंगे। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, और 35 से 40 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, बेक करेंगे। केक हमारा तैयार है, चेक करेंगे टूथपिक इंसर्ट करके। अगर इस पे टूथपिक पे केक चिपका आता तो यानी कच्चा है, अगर नहीं चिपकता ये हमारी तैयार है। और इसे ढककर रख देंगे जब तक केक हमारा अच्छे से ठंडा ना हो जाए। हमारा केक ठंडा हो चुका है, अब इसे साइड से थोड़ा छुड़ा लेंगे ताकि इजिली डिमोल्ड हो जाए। थोड़ा सा पीछे से टैप करेंगे, इससे इजिली निकल जाता है। केक हमारा डिमोल्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आए। और इसका जो बटर पेपर लगाया था वो उसे उतार लेंगे, कई बार ये फट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए केक हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है, कितना प्यारा कलर हुआ है और कितना स्पॉन्जी भी है। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1/2 कप चीनी। अब हम बनाएंगे सॉस, कैरेमल सॉस। चीनी को हमें मेल्ट होने देना है, और यहाँ पर फ्लेम हम नॉर्मल ही रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे, और लगातार इसे चलाते रहना है। बीच में फ्रेंड्स छोड़ना मत, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी। इसे बिल्कुल पतला करना, एक एक क्रिस्टल इसका मेल्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ चीनी लगभग हमारी मेल्ट हो चुकी है, पूरी तरह मेल्ट हो गई। 1/4 कप इसमें मैं डाल रही हूँ बटर, ये सॉल्टेड बटर है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और फिर डाला है मैंने 1/4 कप व्हिप क्रीम। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप यहाँ फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, 1/2 कप। और मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क मैंने इसमें डाला, और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे पकाएंगे, पर लगातार हिलाते रहना है। ये देखिए हमारी यहाँ कैरेमल सॉस रेडी है, इसे साइड पे रख देंगे। और अब मैंने लिया 1/4 कप बादाम, इसे अच्छे से थोड़ा भून लेंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा। और इसे खरल में या किसी भी बेलन की हेल्प से इसे छोटे छोटे क्रंची में कर लीजिए, दरदरा कूट लीजिए। मैंने सारा बादाम कूट लिया, थोड़े से बचे उसे फिर से इसे भी कूट लेते हैं।
ये हमारे बादाम तैयार है, इसे बनाएंगे हम। अब हम बनाएंगे चिक्की। आधा कप चीनी फिर से लिया है मैंने कढ़ाई में, और इसे भी ऐसे मेल्ट होने देंगे। चीनी यहाँ मेल्ट हो गई है, और एक टीस्पून डालेंगे हम इसमें बटर, और फिर अच्छे से इसे मिलाते जाएंगे, लगातार मिलाते हैं। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें क्रंच किए हुए पीसेस किए हुए बादाम, चॉप किए हुए बादाम। बादाम को पहले भूनना बहुत जरूरी है, इससे क्रंची टेस्ट आता है। और ये प्लेट को आप जल्दी से ग्रीस कर लेना पहले ही, और उसमें चिक्की जमाने के लिए इसमें शिफ्ट करेंगे, और जमने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम को रेडी कर लिया है, और इसमें येलो कलर में डाल रही हूँ, और इसे आप बीटर से मिक्स कर देंगे ताकि कलर सारे में अच्छे मिक्स हो जाए। व्हिप क्रीम कैसे बनाए इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज आप देखें। यहाँ पर क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम आइसिंग के लिए इसे स्पेचुला से एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे, कहीं कलर की शेड डिफरेंट ना आए। अब यहाँ हमारी चिक्की भी जम चुकी है, इसे बड़े ध्यान से हम चाकू से हाथ निकाल लेंगे, हाथ ना लगे ध्यान रखना इस चीज का। और इसे बेलन या किसी भी हार्ड चीज से इसको छोटे छोटे टुकड़े करने, बिल्कुल इस तरह से क्रंची बना लेंगे, चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग सेट कर रही हूँ, और इसमें डालेंगे हमारा ये कैरमलाइज सिरप। पाइपिंग बैग में डाल लिया, पाइपिंग बैग में डाल ले तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं। अब केक के टॉप लेयर को थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि थोड़ा डॉम शेप में था, हमें लेवल में लाने के लिए इसे कट किया है, और इसको मैं ब्रेड नाइफ से कट कर लेती हूँ। आप ब्रेड नाइफ नहीं है तो आप थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने शुगर सिरप तैयार किया है, दो चम्मच, दो बड़े चम्मच मैंने चीनी ली है, और लगभग चार चम्मच इसमें पानी डाल रही हूँ। केक पे शुगर सिरप जरूर लगाना चाहिए, इससे केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो रोटेटिंग टेबल लेंगे, और उस पर मैं एक लेयर को रख रही हूँ, और उस पर बहुत अच्छे से हम शुगर सिरप को लगाएंगे। ये अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, मैंने पहले ही आपको बताया। और इस पे एक लेयर हम क्रीम की लगाएंगे, क्रीम को डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम आप जितनी अच्छी लगाते हैं उतना ही केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लगाएंगे कैरमल सिरप, ये भी अच्छे से हम लगा देंगे, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसमें। ये आप स्पून से भी लगा सकते हैं, इजीली लग जाता है, और इसे भी अच्छे और स्प्रेड कर देंगे। ऊपर हम चिक्की लगाएंगे, चिक्की की और थोड़ा सा क्रीम और डालेंगे, और इसे भी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। चिक्की से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। ऐसे सेम सेकंड लेयर पर करेंगे, शुगर सिरप अप्लाई करेंगे, इसको बहुत अच्छे से लगाना है। क्रीम लगाएंगे, उसे स्प्रेड कर देंगे, और अब लगाएंगे हम कैरेमल सिरप। ये मुझे पाइपिंग बैग से लगाते हुए दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने स्पून से इसे स्प्रेड कर रही हूँ। और चिक्की डालेंगे इसके ऊपर कुछ, और फिर से क्रीम लगाएंगे और स्प्रेड कर देंगे। पैलेट नाइफ से या ब्रेड नाइफ से आप कर सकते हैं, सॉरी बटर नाइफ से, ब्रेड नाइफ से नहीं होगा, हाथ में भी लग जाता है, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब ऊपर का टॉप लेयर लगाएंगे, और इसे अच्छे से क्रीम को थोड़ा सा हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम टॉप लेयर को भी ऐसे ही करेंगे, इस पर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे पहले, और फिर क्रीम लगाएंगे। यहाँ वीडियो में थोड़ा मुझसे स्किप हो गया शुगर सिरप लगाना। अब जो साइड्स को है इसको हम फिनिशिंग देंगे अच्छे से, पहले क्रीम को बहुत अच्छे से लगा लेना, उसके बाद हम फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग के लिए हम स्क्रैपर यूज कर सकते हैं, स्क्रैपर ना हो तो आप पैलेट नाइफ से भी कर सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए आप पैलेट नाइफ को बार बार क्लीन कीजिए, इससे आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। एक्स्ट्रा जो क्रीम निकल रही है उसे क्लीन कर लीजिए, और उसे अच्छे से फिनिशिंग दीजिए, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब साइड पे हम लगाएंगे ये चिक्की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मैं पूरी साइड पे नीचे नीचे लगा रही हूँ। आप यहाँ पर चॉकलेट क्रश करके भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने स्टार नोजल यूज किया है, मैं इस पे फ्लावर्स बना रही हूँ। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, छोटे बड़े फ्लावर्स भी, कुछ भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वो बनाइए।
इस तरह से मैंने सारे बना लिए। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आराम से दूध की थैली वाला जो पॉलिथीन आता है या सिंपल पॉलिथीन में भी बनाइए, उसको पाइपिंग बैग की तरह यूज कीजिए और आगे से थोड़ा कट करके बना सकते हैं। मैंने बीच में सारी चिक्की डाल दी है और एक छोटा सा फ्लावर डेकोरेट करने के लिए और बना देती हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ इसके ऊपर भी कुछ चिक्की लगाएंगे। जितना ज्यादा चिक्की यूज करते हैं उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। कुछ सिल्वर बॉल्स भी मैं यूज कर रही हूँ डेकोरेशन के लिए, आपके पास हो तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ केक अब मेरा रेडी है। इसको थोड़ा और खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ चॉकलेट। अपना ये डार्क कंपाउंड को क्रश करके ग्रेट करके उसको इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डार्क कंपाउंड ना हो तो डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब नीचे हम ये बाउंड्री बनाएंगे, इससे केक और भी हमारा बढ़िया लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए, बेकरी का केक भूल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।